हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपका देखने वाले हैं कि आप जब कोई शेयर बाय या सेल करते हैं तो उस केस में जो आप पे चार्जेस लगते हैं लाइक ब्रोकरेज एसटीटी, उनको आप कैसे चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये बजाज फाइनेंस है और इसके मैं शेयर को बाय कर लेता हूँ और बाय कर लेते हैं हम क्वान्टिटी 100 कर लेते हैं और 3251 को हम कर देते हैं आपका 3250। तो अगर दोस्तों इस प्राइस पे हम आपका 100 क्वांटिटीज़ को बाय करते हैं और उसको फर्दर सेल कर देते हैं 3300 रुपीज़ में, तो उस केस में मेरे पे कितने चार्जेस लगेंगे, मुझे कितनी ब्रोकरेज देनी होगी और टोटल चार्जेस मेरे अकाउंट से कितने डेबिट होंगे, तो आज इस वीडियो में हम पूरा का पूरा देखने वाले हैं। ये बजाज फाइनेंस के लिए भी एप्लीकेबल होगा और बाकी सभी शेयर्स के लिए भी आपका एप्लीकेबल होगा, आप किसी को भी इससे चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पे इस तरह की इन्फॉर्मेशन आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों सीधा मूव ऑन करते हैं। दोस्तों ब्रोकरेज चेक करने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना होगा जेरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर, यह आपने गूगल में सर्च करना है। जब आप सर्च करेंगे तो टॉप नंबर पर आपको एक लिंक दिखाई देगा https://jerodha.com/brokerage-calculator, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे यहाँ पे आपका ब्रोकरेज कैलकुलेटर ओपन हो गया है। लेकिन दोस्तों आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, पहले जो शेयर मार्केट होता है जब आप उसमें ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट या कुछ भी करते हैं तो आप पे देखिए ब्रोकरेज तो लगती है, ब्रोकरेज आपका ब्रोकर आपसे चार्ज करता है, लेकिन ब्रोकरेज के अलावा भी सेवरल आपके अदर चार्जेस होते हैं जो आप पे लगते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। जैसे कि अभी मैं दिखा सकता हूँ आपको, देखिए अगर हम चार्जेस की बात करें तो ब्रोकरेज एक चार्ज होगा, उसके बाद आप पे एसटीटी लगेगा, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेंगे, क्लियरिंग चार्जेस लगेंगे, जीएसटी होगा आप पे, सेबी चार्जेस होगा, स्टाम्प ड्यूटी होगा, और इन सारे चार्जेस को जब हम साथ में मिला देते हैं तब आपके टोटल चार्जेस कैलकुलेट होकर आते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है ब्रोकरेज से मेरा मतलब है कि हम सारे के सारे चार्जेस को कैलकुलेट करने वाले हैं क्योंकि पूरा के पूरे चार्जेस टोटल में ही आपके अकाउंट से डेबिट होते हैं। अब दोस्तों मान लेते हैं हम इंट्राडे इक्विटी में डील कर रहे हैं, जब आप कैलकुलेटर पर आएंगे तो आपने बाय प्राइस डाल देना है जिस भी स्टॉक में आप डील कर रहे हैं। तो अभी हम बजाज फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो हम डाल देते हैं 3250 आसानी से समझने के लिए। इसके बाद आपको सेलिंग प्राइस डालना पड़ेगा। देखिए अगर आपने सेल पहले किया है बाय बाद में कर रहे हैं तो आप दोनों प्राइस को पहले या बाद में डाल सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सेल प्राइस मान लेते हैं 3300 हम सेल प्राइस कर देते हैं। इजी अंडरस्टैंड करने के लिए क्वांटिटी को हम करेंगे अभी 100। तो आप देख पाएंगे दोस्तों 3250 में मैंने इसके 100 शेयर खरीदे और 3300 में मैंने इसको बेच दिया, तो मेरे हिसाब से जो टोटल प्रॉफिट मुझे होना चाहिए वो होना चाहिए 5000 का, क्योंकि टोटल 50 पॉइंट का मैंने गैप लिया है और 50 पॉइंट इंटू 100 करेंगे तो कितना आ गया आपका 5000 रुपये। तो मेरी बचत कितनी होनी चाहिए थी 5000 रुपये, लेकिन एक्चुअल में दोस्तों 5000 रुपये बचत नहीं होगी। अब आप कहेंगे हाँ बिल्कुल नहीं होगी, उसमें हमारी 40 रुपीज़ की ब्रोकरेज जाएगी तो आपको मिलनी चाहिए 4960 रुपीज़, लेकिन दोस्तों उतना भी नहीं मिलेगा, उसमें से और भी अदर चार्जेज हैं जो आपके डेबिट होने वाले हैं। तो अब आप नीचे देखेंगे, सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपको बताता है कि आपका टर्नओवर कितने का हुआ है, तो हमारा टर्नओवर जो हुआ है पूरा वो हुआ है 655000 का, इसमें सेलिंग और आपकी बाइंग दोनों का पूरा टर्नओवर इंक्लूडेड होता है। इसके बाद ब्रोकरेज देखेंगे तो ब्रोकरेज 20 बाय की और 20 सेल की, तो ये हो गई हमारी 40 रुपीज़। एसटीटी ये चार्ज है आपका जो कि गवर्नमेंट द्वारा चार्ज किया जाता है और ये मुझे 83 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे ब्रोकरेज का डबल तो एक्चुअल में एसटीटी में ही जा रहा है। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज भी मुझे देना पड़ेगा जो कि है 21.29 रुपीज़। क्लियरिंग चार्जेस इस केस में 0 है। जीएसटी भी मुझे देना पड़ेगा 11 रुपीज़ का। सेबी के चार्जेस मुझे देने पड़ेंगे 0.33 रुपीज़ के। स्टाम्प ड्यूटी मुझे देनी पड़ेगी 9.75 रुपीज़ की। इस तरह से जो टोटल टैक्स और चार्जेस मुझे देने पड़ेंगे वो हुए हैं 165 रुपीज़। और नीचे लिखा हुआ है पॉइंट्स टू ब्रेक इवन, मतलब इतना ऊपर नीचे आपका हो सकता है। तो एक्चुअल में दोस्तों जो मेरा नेट प्रॉफिट होना चाहिए था 5000 रुपये, वो नेट प्रॉफिट 5000 नहीं होके वो केवल और केवल 4834 रुपये मुझे मिलेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कितना बड़ा अमाउंट, अगर मैं बोलूं प्रॉफिट का जो एक अमाउंट है वो मेरा चार्जेस में ही चला जाता है। अब दोस्तों इसमें होता क्या है, जो बिगनर्स होते हैं वो इनिशियल स्टेज में उनको इन चार्जेस के बारे में नहीं पता होता और वो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पे क्या कर रहे होते हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होते हैं। अभी जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, मान लेते हैं कोई बिगनर है, उसने 3250 में ख़रीदा और वो इसको बेच देता है 3200
52 मान लेते हैं, क्योंकि बिगनर होता है, उसके अकाउंट में तो शो ऑफ करेगा कि आपको 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो वो सोचते हैं कि चलो 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, इसको सेल कर देते हैं। लेकिन दोस्तों रियलिटी कुछ हो रहा है। जब आप नीचे आएंगे इसमें तो देखिएगा, एक्चुअल में जो आपका प्रॉफिट है वो हुआ है 37 रुपीज़ का अप्रोक्स। और अगर इसको मैं सिंगल पॉइंट कर देता हूँ, उनको पता नहीं होता, वो सिंगल पॉइंट पे भी सेल कर देते हैं, तो देखिए आप तो लॉस कर चुके हैं, और इस तरह से आपको टोटल लॉस हो जाएगा 63 रुपीज़ का। लेकिन आपका जो वहाँ पे जो पोजीशंस होगी, पोजीशन में आपको प्रॉफिट ही दिखाई देगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके आसानी से चेक कर सकते हैं किसी भी ट्रेड के लिए कि आपको उस ट्रेड पे कितने चार्जेस को देना होगा।